हरियाली तीज महोत्सव वृक्षारोपण कर मनाया। जी हाँ, कोटपुतली बहरोड नीमराना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं रिको नीमराना के संयुक्त तत्वाधान में जापानी जोन में कोमाची के पास बनी रिको सर्किल व जापानी जोन मुख्य सड़क पर एवं रेफल्स यूनिवर्सिटी के पास स्थित जापानी रिको पार्क में हरियाली तीज महोत्सव के उपलक्ष्य में उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पंकज बड़गुर्जर के मुख्य आतिथ्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शालिनी राज, पुलिस उपाधीक्षक सचिन शर्मा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद राजस्थान चैप्टर की अस्थायी सदस्य रुक्मणी कौशिक, नीमराना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल कौशिक के कर कमलों से करीब 2000 पेड़ पौधे लगाए गए, जिनमें मुख्य मार्ग पर कनेर, सड़क के दोनों ओर सिरस व गुलमोहर, अशोक व पार्क में पीपल, बरगद, नीम, सहतूत, गुलर, शीशम, लहसवा सहित अन्य प्रकार के करीब 1000 बड़े छायादार, 500 कनेर व 500 रिको पार्क में फलदार वृक्ष लगाए गए। इस मौके पर उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट ने समस्त उद्योगपतियों एवं उद्योग प्रतिनिधियों के संबोधन करते हुए समस्त आमजन को प्रति व्यक्ति परिवार के अनुसार एक एक पेड़ लगाने की अपील की। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि हमने अभी तक नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में करीब 12000 पेड़ लगा दिए हैं और 15 अगस्त से पूर्व एक महाअभियान चलाकर रिको औद्योगिक क्षेत्र में करीब 18000 पेड़ लगाने का लक्ष्य है। इस हरियाली तीज महोत्सव के त्योहारिक मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शालिनी राज ने महिलाओं को हार्दिक बधाई देते हुए समस्त महिलाओं एवं लोगों से अपने आसपास के क्षेत्र एवं परिक्षेत्र को हरा भरा रखने की अपील की।